अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ग्राम में किया घरों घर पार्थिव शिवलिंग का लाइव अभिषेक। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने व श्रावण की शिवरात्रि के विशेष अवसर पर नगरवासियों ने किया लाइव महाअभिषेक। मध्य प्रदेश के करीब 99% घरों में श्रावणी शिवरात्रि के विशेष दिन शिव की मिट्टी की मूर्ति बना हर घर में शिव की पार्थिव शिवलिंग का विभिन्न चीजों से अभिषेक किया गया, जिसमें पंडित जी मिश्रा के द्वारा बताए अनुसार लाइव पूजन किया गया। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया करीब 2 करोड़ से अधिक लोग इस अभिषेक का हिस्सा बने। कोरोना जैसी महामारी को दूर करने व घर में सुख समृद्धि की कामना से आज शिव का अभिषेक करवाया, जिसमें करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े। यह एक विश्व रिकॉर्ड बन सकता है। पंडित मिश्रा ने बताया बन सकता है विश्व रिकॉर्ड। 2 करोड़ से अधिक लोगों ने आस्था के साथ किया भगवान शिव का अभिषेक। देश और विदेश में लाखों श्रद्धालुओं ने किया एक साथ भगवान शिव का अभिषेक। लाइव प्रसारण में मौजूद आधा दर्जन से अधिक ब्राह्मणों के द्वारा पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के साथ भगवान शिव का अभिषेक का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं में आस्था का केंद्र लाइव प्रसारण पर दिव्य अनुष्ठान था। लाखों श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और भाव के साथ अपने घरों पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था। इस मौके पर भागवत भूषण श्री मिश्रा ने कहा कि उक्त दिव्य आयोजन कोरोना संक्रमण की मुक्ति के साथ ही विश्व के कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित है और सभी देवता रुद्र की आत्मा में है। जैसा कि मंत्र से साफ है कि रुद्र ही सर्वशक्तिमान है। रुद्राभिषेक में भगवान शिव के रुद्र अवतार की पूजा की जाती है। यह भगवान शिव का प्रचंड रूप है, समस्त ग्रह बाधाओं और समस्याओं का नाश करता है। सावन के महीने में रुद्र ही सृष्टि का कार्य संभालते हैं, इसीलिए इस समय रुद्राभिषेक अधिक और तुरंत फलदायी होता है। इससे अशुभ ग्रहों के प्रभाव से जीवन में चल रही परेशानियां भी दूर होती हैं, परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है। लेकिन इस वर्ष कोरोना संकट के कारण कई शिवालयों में रुद्राभिषेक की अनुमति नहीं है। ऐसे में आप घर पर भी यह पवित्र अभिषेक कर सकते हैं। यजुर्वेद में घर पर रुद्राभिषेक करने की विधि के बारे में बताया गया है, जो अत्यंत लाभप्रद है। आज जिस तरह हर छोटे बड़े क्षेत्र में आज महाअभिषेक किया गया, यह दर्शाता है कि लोगों में कोरोना का भय है, साथ ही भगवान पर पूर्ण विश्वास है। जिस आस्था से करीब 2 करोड़ से अधिक लोगों ने लाइव जुड़कर शिव की पार्थिव शिवलिंग का महाअभिषेक किया, यह कोरोना काल में लाइव जुड़कर इतने अधिक भक्तों ने अभिषेक किया, यह कोरोना काल में देश में इतिहास में लिखा जा सकता है। ये श्रावण महीने की जो शिवरात्रि है, वैसे तो हिंदू धर्म के अनुसार 12 महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में एक शिवरात्रि रहती है। पर हमारे हिंदू धर्म के अनुसार शिवरात्रियां जब आती हैं तो हमको मालूम नहीं पड़ पाता और जनमानस तक वो शिवरात्रि नहीं पहुंच पाती। यही प्रयास करते हुए श्रावण महीने की जो शिवरात्रि है उसको मूल करते हुए कि शिवरात्रि का अनुष्ठान, जैसे हमारे यहाँ शिव महापुराण के अंतर्गत शिवरात्रि का पूरे अनुष्ठान का महत्व बताया गया है कि शिवलिंग का निर्माण करना है, शिवलिंग का निर्माण कर फिर उसका पूजन करना है, पूजन का विधान तक हमारे यहाँ शिव महापुराण के अंतर्गत बताया गया है। जनमानस के कल्याण के लिए, जग के कल्याण के लिए COVID-19 को देखते हुए, इस कोरोना महामारी को देखते हुए, अपने अपने घर में रहकर शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर ऑनलाइन शिव महारात्रि के अवसर पर ये शिव अभिषेक का कार्य रखा है, जिसके अंतर्गत पूरे देशवासी, विदेशों में रहने वाले भी मेरे भारत के वासी सब इस शिवरात्रि महोत्सव को मना रहे हैं। इसमें अनुमानित कितना जो लाइव प्रसारण हो रहा है, इसमें कितने माने श्रद्धालु ये आयोजन कर? लगभग उम्मीद है कि 2 करोड़ पब्लिक, लगभग 2 करोड़ घरों में भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण हो रहा है और पूजन कर रहे हैं। अगर बाबा ने चाहा तो कल तक सम्मुख में आ ही जाएगा कि कितने लोगों ने शिवरात्रि के दिन पूजन किया, अर्चना करा। पूरे देश में इस शिवरात्रि की धूम मची हुई है। डिजियाना न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट, ठिकरी।